तो दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोग हैं हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले के अंदर, नाहन से त्रिलोकपुर के बीच में हैं। और हमारी ये आप हिमाचल प्रदेश की यात्रा पिछले करीब करीब 4 महीने से देख रहे हैं। इस वीडियो के अंदर कई सारे स्थान आप देखेंगे। आज हम लोग, पिछले वीडियो में आपने देखा था हम लोग नाहन के अंदर थे, वहाँ का आपने देखा, रेणुका जी देख ली, उससे पहले पांवटा साहिब, से पहले आपने हरिपुर धार, और उससे भी पहले जटोली महादेव मंदिर के साथ ही शिमला और शिमला के आसपास के स्थान भी देखे, और उससे पहले आपने उत्तरी और पश्चिमी जो हिमाचल प्रदेश है वो सब स्थान देखे थे। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग पौड़ीवाल जो मंदिर देखा था शंकर भगवान का, वहाँ से हम लोग आए हैं और यहाँ से आगे जा रहे हैं त्रिलोकपुर। कई सारे वहाँ पर स्थान है और उसके बाद में वापस शिमला की तरफ हम जाएंगे, तो कई सारे रास्ते में और भी स्थान देखते जाएंगे। यहाँ के जो कच्ची मिट्टी है यहाँ पर बहुत ही, और जो पहाड़ है वो भी एकदम कच्चे कच्चे ही, ऐसे लगता है जैसे कच्ची मिट्टी के ढेर लगा रखे हों। ये देख के अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, बीच बीच में ज़रूर पत्थर हैं। हम लोग जो ऐसे रास्ते से आए हैं, पीछे की साइड में आप देखिए एकदम ये इस तरह का है, पूरा का पूरा कच्चा रास्ता, और आगे की साइड में हम लोग जा रहे हैं। और एक बात मैं बता दूं दोस्तों, कच्चे रास्तों में पहाड़ यहाँ पर कम है और कच्चे रास्ते हैं, तो चलाने के लिए ये भी ट्रेंड हो रही है। हिमाचल आए हुए हमें 4 महीने हो गए, तब जाकर इसका ऐसे थोड़ा मन खुला है कि हाँ चलो पहाड़ों में गाड़ी ले लेते हैं हाथ में। काफी अलग तरह का रास्ता है, और ये दोस्तों शिमला से लिया था राज, फिर खराब हो गए। ये देखिए दोस्तों पत्ते कितने बड़े बड़े हो गए इनकी, जो आपने सब्जी खाई थी आपको हमने खा के बताई थी वो। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग निकल रहे थे जंगल से, तो जंगल के अंदर हमें एक तरह की झोंपड़ी, आपका क्या नाम है वैसे? बलदेव सिंह। बलदेव सिंह जी, तो ये किस लिए है, आपके रहने के लिए है या नहीं, पसुं? हमारे पशुओं के लिए भैया। अच्छा, आपके पशुओं के लिए, कौन सा काम है ये? ये गाँव टेडी ब्रोटी है भैया। टेडी ब्रोटी? ब्रोटी। अच्छा, इधर के पशु रखे हुए हैं सारे, कुछ बकरियां गाय भैंस सारे। ये किस चीज के बनाते हो आप लोग, ये क्या चीज है? ये घास होता है, उसका क्या नाम बोलते हैं इसको? झुंड बोलते हैं इसको, झुंड। झुंड, हां। अच्छा, पर ये तो सरकना है बीच बीच में, तो अब तो खत्म। ये पिछले साल की होगी ना? 3 साल हो गए इसको। 3 साल हो गए, अभी नहीं डालोगे इस बार? सीसम भी होती है यहाँ पे नहीं? हाँ हाँ हाँ, काफी ठंडी छाव में नींद जोरदार आती है नहीं? अच्छा, तो इनको चरा के कहाँ मिलाते हो? जंगल में मिलाते हैं चरा के इनको। आज नहीं लेके गए? अभी थोड़ी देर में जाएंगे। अभी जाएंगे। काफी शानदार है नहीं? ये मुझे बहुत अच्छी लगी जाली। कौन सी चीज, किस चीज की लकड़ी है? तूत की है। तूत की? तूत की। अच्छा, तो खास तौर से आपने अपने जानवरों को चराने के लिए रखने के लिए बना रखा है नहीं? और उसके बाद में दोस्तों हम लोग पहुंच गए त्रिलोकपुर। आज तो मेला लगा हुआ है। तो हमें यहाँ आने से पहले नहीं पता था दोस्तों, ये तो काफी बड़ा मंदिर है, यहाँ पर कई सारी सराय भी बनी हुई है रहने के लिए। तो सबसे पहले चलते हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। काफी दुकानें लगी हुई है, बहुत श्रद्धालु भी आए हुए। महामाया बाला सुंदरी जी, महामाया बाला सुंदरी जी का यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यह हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के नाहन के नज़दीक ही है, त्रिलोकपुर में ही। और इस मंदिर के बारे में दो किंवदंतियाँ जो है वो प्रचलित है। ऐसे कहा जाता है कि 1573 ईस्वी यानी कि 1630 में सिरमौर जिला में नमक की कमी हो गई थी, और ज़्यादातर नमक जो सहारनपुर के देवबन नामक स्थान से लाना पड़ता था, जो आज उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर का एक कस्बा है। रामदास महाजन जब एक बार सहारनपुर से नमक लेकर आए थे, दिन भर नमक बेचने के बाद भी नमक की बोरी जरा भी खाली नहीं हुई। रामदास हैरान और परेशान हो गए, उनके बात कुछ भी समझ में नहीं आई। उसी रात माता ने स्वप्न में उन्हें दर्शन दिए और माता जी ने कहा कि इसी बोरी के अंदर पिंडी स्वरूप में मैं साथ में आई हूँ बोरी के अंदर, और तुम जो हो स्थापित करके मंदिर इस तरह से बनवाओ। तो एक तो ये है, और उसके बाद में कहा जाता है कि राजा प्रदीप प्रकाश ने वहीं पर मंदिर बनाने का हुक्म दिया। दूसरी किंवदंती के अनुसार क्या हुआ था
कि लाला रामदास के घर के सामने पीपल का एक पेड़ था, वहाँ पर वह रोज जल एवं फल फूल चढ़ाया करते थे। एक बार भयंकर तूफान आया और पीपल का पेड़ उखड़ गया। उस पेड़ के स्थान पर एक पिंडी प्रकट हुई। रामदास उस पिंडी को उठाकर घर ले आए और उसे नहला धुलाकर पूजा अर्चना करने लगे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और फिर मंदिर बनवाने की तो बात। दोस्तों, हमने बाला सुंदरी मंदिर तो दर्शन कर लिए। नवरात्र होने की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु जो आ रहे हैं, जा रहे हैं, और यहाँ पर कई सारे स्थान है दर्शन करने के लिए। एक शिव मंदिर है, ध्यानु भगत जी का मंदिर है, ललिता सुंदरी का मंदिर है जो एक छोटी पहाड़ी के ऊपर है। तो चलिए देखते हैं। साथ ही अभी नवरात्र है तो मेला भी लगा हुआ है। तो सबसे पहले आने वाले श्रद्धालुओं के लिए चाय का प्रसाद और साथ में नाश्ता भी, ये हमने यहाँ पर देखा, क्योंकि नवरात्रा भी किए हुए, उपवास भी किया हुआ होता है, तो चाय वगैरह पीने की व्यवस्था भी यहाँ पर की हुई। पहली बार इस तरह का हमने देखा है चाय प्रसादी। मेले की वजह से और आने वाले श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं हैं, चाय पानी नाश्ता भंडारा और सब कुछ, स्टॉल लगे हुए जगह जगह पे। लाओ संजय भैया लाओ। दस में कोई लॉस नहीं रहेगा। लॉस ही नहीं रहेगा आपको? मेरे को भी नहीं रहेगा, ना आपको रहेगा। अच्छा, कहाँ से आप? मैं सहारनपुर। सहारनपुर से? एक दे दो। राजस्थान से हो? ये 50 के 3 मिलने मुश्किल ही होते हैं। नहीं तो सही है, 50 रुपए के 3 जब ढूंढते हैं तो नहीं मिलते, और यहाँ मेले में आसानी से मिल गए। नादौन के अंदर हमने आपको दिखाया था हमीरपुर के नजदीक ध्यानु भगत की समाधि, और यहाँ पर है ध्यानु भगत जी का मंदिर। सिरमौर संस्कृति संग्रहालय, ये एक और शिव मंदिर है दोस्तों। यहाँ पर बहुत ही सुंदर ये दोस्तों जो शिव मंदिर है, इसी के पीछे की साइड में यहाँ पर ये म्यूजियम है, तो सिरमौर की संस्कृति देखने को मिलेगी यहाँ पे। ₹40 मोबाइल चार्ज और बाकी ₹10 की दो टिकट। दोस्तों, म्यूजियम के अंदर सिरमौर जिले से संबंधित कई सारी ऐतिहासिक मंदिर और इसके साथ ही जो आसपास के क्षेत्र में मिली मूर्तियां वो रखी गई है। साथ ही जो सिरमौरी ताल है वहां पर जो किले के अवशेष मिले हैं वो भी यहीं पर हैं। कुछ पुराने बर्तन मूर्तियां और इसी तरह से जो यहाँ पाउंटा साहिब है वहाँ पर भी मिली हुई मूर्ति है। तो कई सारे इस स्थान के अंदर म्यूजियम के अंदर रखे हुए हैं। और उसके बाद में अगर आप आगे देखेंगे इनके बाद में, तो आगे है यहाँ बर्तन जो पहले के समय में सिरमौर के क्षेत्र में काम में ले जाते थे। ये बांसुरी और कुछ बजाने वाले पहाड़ी जो लोग बजाते थे वो सब, ये मंदिर और ये हुड़क और ये कुछ आभूषण है जो सिरमौर के प्राचीन संस्कृति पहचान है, जो पहले के लोग इस तरह से पहनते थे। तो ये सब कुछ यहाँ पर इस म्यूजियम के अंदर रखा हुआ है। एक चरखा भी यहाँ पर रखा हुआ है और हथकड़ी भी है। साथ ही ये बाला सुंदरी मंदिर का प्राचीन मुकुट है। तो इस तरह से कई सारे स्थान हमने यहाँ पर देखे, पुरानी पालकी के साथ ही ये ग्रंथ भी है पुराना और कुछ खेलने का सामान भी है। यहाँ पर जो ड्रेस पहनी जाती है हिमाचल प्रदेश का, ये जो सिरमौर जिला है, और साथ ही यहाँ पर जो नृत्य होते हैं, तस्वीरों के जरिए ये बताने का प्रयास किया गया है, क्योंकि सिरमौर जिले का यही जो है वो एक म्यूजियम यही है त्रिलोकपुर में ही, आपको बताया था। और ये जो कुछ जैसे आपने एक वुड फोजिल पार्क देखा था, उसी तरह से यहाँ पर ये हड्डियाँ वगैरह जो 16 लाख साल पहले 30 लाख साल पहले 16 लाख साल पहले इतनी पुरानी जो हड्डियां थी वो पत्थर कैसे बन गई,
आपने राजस्थान के जैसलमेर के नजदीक लकड़ियां पत्थर कैसे बन गई वो देखा था, और यहाँ पर इतनी लाखों वर्ष पुरानी हड्डियां हैं। उसके बाद में ये जो है यहाँ पर स्वतंत्रता के अंदर और आंदोलनों में जो भाग लेने वाले वहाँ की कुछ तस्वीरें आपने देखी सिरमौर के लोग, और ये पत्र अलग अलग तांबे के पीतल के इस तरह से रखे हुए हैं खाना बनाने के लिए भी, और ये यहाँ की कल्चरल ड्रेस। और ये सामान देखिए लकड़ी से बना हुआ है सारा का सारा सामान है, और सेवैयाँ निकालने के लिए भी है इनमें, साथ ही ये सेवैयों की मशीन है, और ये एक बिलोने की मशीन है दूध बिलोने के लिए, और ये एक और लकड़ी का। तो ये लकड़ी का कई सारे पुराने पुराने सामान रखे हुए हैं। उसके बाद में अगर आप देखेंगे एक बार फिर से यहाँ पर ड्रेस देखने को मिली, कुछ हथियार रखे हुए हैं, चंबा रुमाल भी यहाँ पर रखा हुआ है, और उसके बाद में यहाँ पर राजाओं की कुछ कल्चरल ड्रेस के साथ ही हुक्का, और ये फिर से बर्तन यहाँ पर रखे हुए हैं। कुछ कुछ पार्ट हमने दिखाए हैं जो इस म्यूजियम के अंदर हैं, और हिमाचल प्रदेश का सिरमौर का म्यूजियम इसी त्रिलोकपुर के अंदर ही है। और उसके बाद में यहाँ पर जो है वो कुछ प्राचीन यहाँ आसपास के स्थान हैं, जैसे कि आपने जो नाहन के अंदर देखे थे, गुरुद्वारा भी देखा, और मंदिर के साथ ही पालकी, और ये कुछ लोग जो हिमाचल की पुरानी फ़ोटो वगैरह है तस्वीरें वो यहाँ पर लगाई हुई है। तो काफ़ी अच्छा लगा हमें म्यूजियम। तो दोस्तों वाकई में हमारा बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, म्यूजियम के अंदर सिरमौर की जो संस्कृति है वो दिखाई गई है, लेकिन असली सिरमौर जो सिरमौरी ताल जो है वहाँ पर अगर पर्यटक स्थल बनाया जाए और उसे और अच्छे से डेवलप किया जाए तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ के भी कई सारे जो अवशेष मिले हैं वो भी इस म्यूजियम के अंदर रखे हुए हैं, तो ज़रूर पीछे वहाँ पर भी अब कुछ किया जा सकता है। ये शिव मंदिर है पीछे साइड में। अब चलते हैं त्रिलोकपुर में, कई सारे स्थान हमने देख लिए। ये दोस्तों जो म्यूजियम है शिव मंदिर है उसके पीछे साइड में, और म्यूजियम के बराबर में यहीं पर भंडारा स्थल है। आते हैं जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं वो भोजन कर सकते हैं यहाँ पर। अब दोस्तों हम लोग ये शिव मंदिर है यहाँ पर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। पानी का ये सरोवर इसके बीच में बना हुआ बहुत ही सुंदर ये शिव मंदिर है, और संयोग से आज जो नवरात्र में जो मेला चल रहा था इसी में हम लोग आए। और अब दोस्तों हम लोग थोड़ा सा झूला झूल लेते हैं, आज बेटे भाज। तो अब दोस्तों बात ये है कि हम लोग जो झूले के अंदर बैठ गए हैं, गोल 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 इस झूले के अंदर झूलेंगे, और साथ में सिया लेके आई है ये जूस। सिया की मम्मी आई नहीं क्योंकि उसे डर लग रहा है, और दोपहर भी होगी, अभी हम लोग खाना भी खाएंगे इसके बाद में, बस लास्ट ये झूला है। बाकी सारे स्थान हमने आपको दिखा दिए और देख भी लिए। ये अब थोड़ी हाइट पे आ गए हैं तो पूरा सिटी का त्रिलोकपुर का दृश्य दिखा देते हैं। ये देखिए कुछ पुराना कंस्ट्रक्शन नज़र आ रहा है यहाँ का, और ये इस तरह से टिन सेट छाँव की हुई है। इसके अलावा चारों ओर पहाड़ जो है यहाँ पर ज़्यादा हाइट पे नहीं है, नीचे नीचे पहाड़ है, बहुत ज़्यादा हाइट पे तो नहीं है। ₹50 का टिकट है। मैं तो यहीं से त्रिलोकपुर के। अच्छा वो से
ये एक अंधेरी गांव है इस त्रिलोकपुर के नजदीक ही। इस साइड में हम लोग आ गए और खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद में काफी लंबा सफर आज शिमला तक का तय करेंगे। रास्ते में कुछ स्थान आएंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों शाम के लगभग 5:30 बज गए, हम लोग सोलन के नज़दीक ये तो बोली गांव है यहाँ पहुँचे हैं। और नीचे की साइड में एक हनुमान जी की स्टैचू नज़र आई हमें, ये देखिए, ये है महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी, 156 फीट हनुमान जी का स्टैचू है वो यूनिवर्सिटी के अंदर 156 फीट।